और के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र की ओमैक्स हेल्थ सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलोनी में अचानक से धमाके की आवाज सुनाई थी। आपको बता दें कि घबराए लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस माइनिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के पास किसी भी तरह का उपकरण मौजूद नहीं था, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। एक बार फिर से अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर जमीन के अंदर से आ रही आवाज के लिए निरीक्षण करेगी। हालांकि संभवतः बताया जा रहा है कि इंदौर के आसपास और इंदौर में हुई तेज बारिश के चलते जमीन में जब पानी पहुंचता है तो जमीन की निचली सतह में मौजूद चूना एक पदार्थ होता है, जिसमें पानी लगने के बाद इस तरह की आवाजें आती हैं। फिलहाल अभी जांच कर निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शाम को फिर पुलिस कंट्रोल को फोन किया और वो लोग आए। फिर हमने कलेक्ट्रेट में एसडीएम से सभी से बात की, फिर उनकी टीम आई। जब उनकी टीम आई है, 100 आई है अभी करीब 2-2.5 घंटे पहले, उस टाइम पर काफी तेज ब्लास्ट हुआ। इतना तेज हुआ कि हमारे यहाँ का जो एसी था वो बंद हो गया और अब जो साउंड है वो तेज आ रहा है। पहले हम इसको घर के अंदर सुन रहे थे पर अभी हम उसको घर के बाहर भी सुनने लगे। लोगों ने जो इन लोगों की रहवासियों की बातें सुन के ये हल निकाला कि इसमें कुछ जियोलॉजिकल जो है वो डिसएबलमेंट है, वो अभी ऐसे एकदम से अचानक नहीं पता लगेगा, उसके लिए कुछ सर्वे का टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें सामने आएंगी। सर ये क्या कंटिन्यू है या फिर नहीं? जैसा अभी रहवासियों ने बताया कि रुक रुक के एक दो घंटे में आ रहे हैं, उसकी चीज अभी हम लोग और सर्वे करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या। लोगों से चर्चा किया तो पता चला कि सुबह से ही हल्के धमाके जैसी आवाज घरों के अंदर से और बाहर से भी आ रही थी, लेकिन कोई शाम जैसे हुई, रात जैसे हुई तो धमाकों की तीव्रता जो है बढ़ती गई है, इसलिए हम लोग थोड़ा डरे हुए थे। और प्रशासन ने जो है सभी जगह जो है खबर कर दिया है। अभी जो माइनिंग ऑफिसर भी आ गए हैं, एसडीएम साहब को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है और हम लोग एहतियात बरत रहे हैं।